एक्सपीरियंस तो बहुत जबरदस्त रहा है, हमको मालूम है हमारी कैसे घसाई हुई, क्योंकि इतना मेहनत हमने की नहीं है, सच में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, और जितना मजा हमको आया उतना मजा हमने दिया भी। घसाई में बहुत मजा आया, मेहनत बहुत हुई, पता नहीं वजन कम हुआ कि नहीं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। रिपेयरिंग बहुत समय से कर रहा था मैं, 2012 से तकरीबन, लेकिन रिपेयरिंग के नाम पे भी बताएं तो वो भी बताने में शर्म आती, क्या करते थे, लेकिन यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला, बेसिक कंपोनेंट नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। देव सर से स्पेशली बहुत कुछ सीखने को मिला, पेशेंस रखना और प्रॉपर कैसे जवाब देना सर, मतलब हर एक चीज़ को जितने बार पूछो उन्होंने उतने बार बताया, सब सर लोगों ने प्रॉपर हेल्प की समय समय पर, और बहुत कुछ सीखने को मिला, मजा आया। दोस्ती का माहौल तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि हर किसी को पता है कि इंस्टीट्यूट में हम लोग वहाँ भी गए, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ाई के साथ बहुत मस्ती की, यहाँ इंस्टीट्यूट हॉस्टल में आके हमने पढ़ाई का मस्ती ज्यादा की। दुर्गा सर ने हमको एक चीज बताई थी कि आप अपने लाइफ को उस तरीके से लो कि हर एक स्टेप, जैसे आप रूम पे जाते हो ना, तो जैसे बूस्ट कॉइल क्या होता है, बकलाइन क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, डायोड क्या होता है, अपने एक्सपीरियंस में उनको लेना कि भाई ये बूस्ट कॉइल है, ये बकलाइन है, वो है, उसी तरीके से ये हमारे बूस्ट कॉइल है। थैंक यू सो मच। मेरे जो साथ में जो मेरे फ्रेंडशिप पूरी टीम जितने भी हमारे सब ने बहुत हेल्प की मुझे, स्पेशली धक्का देके उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, नहीं तो मैं तो भागे ही जाता भैया पहले दूसरे सर ने बोला यहाँ सोने और खाने को ना, कि वहां तक जाना सोच के डर लग रहा था पैदल कैसे जाए। लेकिन बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम। सोना छुड़वा दिया, इमेज सोना छुड़वा दिया ना सर, और पूरा 12-12 घंटे मेहनत करवाई और पैदल भी चलवाया, यस सर, है ना, और खाना भी कितना टाइम से, दो टाइम था, दो टाइम, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि आटा सटर पटर खाते रहते ना बल्लो, यस सर, कभी मिले कुछ खा लिया, कभी मिले कुछ खा लिया, चाय भी बंद हो गई, समोसा भी बंद हो गया, गाना भी बंद हो गई, क्या भाई जेल तो नहीं गया, एक गाना, एक गाना, गाना है, एक गाना, एक गाना सर, एक गाना, चलो ठीक है गाना सुना, अच्छा मैं एक सॉन्ग गा रहा हूँ, लाइव एक सॉन्ग गा रहा हूँ, डेडिकेटेड टू माय फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो ये जिंदगी है, कोई तो हो रहा पिता बेगर तेरा हो रहा, कोई तो हो रहा पिता, यारो मोहब्बत भी तो ये बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो जा, बेगैरत जिससे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो जा, तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, अरे यारो दोस्ती ये तो ये बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो रास्ता, बेगर तेरा हो यार, कोई तो दिल भर हो यार।
कोई तो वो इसकी तारीफ मत करना नहीं तो लाइन चेंज कर देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इसे टेलीकॉम ज्वाइन करने वाला हर एक बच्चा बस कमर कस ले मेहनत के लिए, क्योंकि वो नाम कमाएगा जो उसने सोचा भी नहीं था। और हमारी लाइव वीडियो डेली क्लास देखने के लिए फेसबुक पे जाइए और लिखिए इसे टेलीकॉम, सर्च कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि हमने कल क्या काम किया, हमने उसे एक दिन पहले क्या काम किया, जो हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट कभी रिवील नहीं करता, बट हम रिवील करेंगे। यहाँ पर आज हम ईएमसी चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे ईएमसी चेंज कर लेगा? बस नोट, सिर्फ नोट 6 प्रो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो कर रहे हैं वो नोट 5 प्रो की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्लैक पे स्टेट काम ठीक है। अभी हमारे ये देखिए, तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से गिफ्ट मैं अलग दूंगा और वो कसम से अल्टीमेट होगा। तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है। बेसिकली पहले टाइमिंग बताओ यहाँ पर कितने बजे के कितने बजे है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?